जिस दिन हम पड़ोसियों को सुख को देखकर सुखी हो जाएंगे, उसी दिन जो है यह राष्ट्र सुखी हो जाएगा। और राष्ट्र सुखी तब होगा जब आपकी जो है यह जो है बदलने की जो परंपरा है ना, इसको जो बदल दें, अर्थात हिंदू सापेक्ष बन जाएं, भारत हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। यह 22 तारीख जो आ रहा है ना, ये हिंदू सापेक्ष राष्ट्र की निर्माण हो रहा है। राम जी तो आ रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इसलिए 2024 नहीं भूलना। देखो हमारे यहाँ बड़ा धर्म की महत्व है। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ और न किसी संस्थाओं का जो है गुलाम, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहाँ प्रकट हुए? कमल के ऊपर। और हमारे महात्मा लोग तपस्या करने के लिए बैठते हैं ना, तो कहते हैं कमलासन पर बैठो। कौन से आसन लगाओ? कमलासन, कमल का आसन लगाना। और ब्रह्मा जी प्रकट कमल के ऊपर हुए, मुझे याद है। हमारा भारतवर्ष जो है अनेकानेक राज्यों से निर्मित एक राष्ट्र है। एक समय था कि हमारे भारतवर्ष में 4 कमल के फूल गिरे थे। अब गिरे शब्द क्यों हमने कहा, जब विचार करना। ये भागवत का 2 शब्द जो है ना ध्यान रखना, पहला त और दूसरा है प। तप शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिया था तपस्या करने, त और प। यहाँ भी तपस्वी शब्द है। ताप सभेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। देखो भाई, मैं एक ही चौपाई शास्त्री जी ने बता दिया तो हम एक ही चौपाई को लेकर चल रहा हूँ। ज्यादा तो मेरे को आता जाता नहीं, लेकिन 14 दिन जरूर बोल सकता हूँ इस चौपाई के ऊपर। ज्यादा नहीं बोल सकता तो 14 दिन कंटिन्यू बोल सकता हूँ। जरा विचार करो, यहाँ कहते हैं तप और प। तो तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, यहाँ आत्ता शब्द जो है। तो जरा विचार करो, यह जो तपस्या जो हमने की है उस तपस्या का फल है जो 22 जनवरी को आ रहा है। अर्थात 24 का फल यह है कि जो हमने वृक्ष को लगाया था वह 14 का अंश मान लो। इस 24 में अगर आपने उस कमल को अगर खिला दिया तो भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। इसे कोई मिटाने वाला नहीं है। इस सनातन को मिटाने के लिए अनेकानेक दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब कुछ हुए। यहां तक लोगों ने कहा जो सनातन नहीं मिटी, जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकारों से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब की तलवारों से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के नेता गद्दारों से? ये क्या मिटाएंगे? सनातन सनातन है। अर्थात इस सत्य, इसमें भी देखो सनातन में भी त है, सना है लेकिन तन के साथ है। मन वो नहीं मिला रहे हैं। जिस दिन मन मिला देंगे वो सनातन में सम्मिलित हो जाएंगे। ये हमारे देश की बड़ी सौभाग्य की बात है। शास्त्री जी ने मुझे कुछ समय दिया है तो मैंने आपके सामने, आप कहेंगे बाबा जी पता नहीं कहाँ है मेरे को भरमा दिए, और आपके शायद आप लोग मुझे जानते भी होंगे, बहुत से लोग पहचानते भी होंगे। अभी मैंने आपके जो है एक यहाँ पर महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन किया था जो अभी, और आपके गांव से बहुत से लोग अभी हमारे पास जाते आते रहते भी हैं। हम तो चुपचाप बैठे थे। शास्त्री जी ने कहा महाराज आप तो जाइए। उनका मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, आप लोग जवान मूर्ति हो, आप लोग करो। नहीं कहते कुछ आप तो कर ही सकते हो। हम के बुढ़ा हो गया हूँ, शिकार करना भूल नहीं सकता, भले अब शिकार होता नहीं लेकिन चलो एक प्रोग्राम मैं कर देता हूँ।
जरा विचार करो। तो मैंने आपको कहा कमल, चार कमल गिरा, कब गिरा था आपको मैं बताता हूं। जब राम जन्म भूमि के प्राचीन मंदिर को गिराया गया, जिसको जो है ना अन्य पार्टी वालों ने कहा कि मेरे जो है पूर्वजों का निशान मिट गया। अरे भैया, पूर्वज जो जो तुम्हारे हैं उन पूर्वज को तो तूने भूल रहा है। अरे हमारा अगर मकान पुराना हो गया है, हम गिरा के नया मकान बना रहे हैं, उसमें कौन सा हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन उस समय हमारे देश के कुछ आताताइयों ने हमारे चार कमल को तोड़ करके फेंक दिया। जानते हो चार कमल कहाँ कहाँ खिली थी? भारतवर्ष मेरा एक सरोवर है, इस सरोवर में चार कमल के फूल खिले थे। एक हिमाचल में खिला था, एक उत्तर प्रदेश में खिला था, एक मध्य प्रदेश में खिला था, एक राजस्थान में खिला था। जब हमने अपनी प्राचीन घर को तोड़ के हटाया, कहा कि नया निर्माण करेंगे, उसने हमारे चारों कमल को तोड़ करके फेंक दिया। कहा कि अब कमल खत्म हो गया। हमने कहा नहीं भैया, कमल नहीं खत्म हुआ है, जा विचार करना। ये भारत एक सरोवर है, चार फूल निकला था, तूने तोड़ के फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका जड़ पाताल में है। अब निकलेगा तो केवल कमल ही कमल निकलेगा, पूरे देश में निकलेगा। और यह प्रसंग, मैं जब अडवाणी जी के यहाँ था 1990 के अंदर में, तो अडवाणी जी कहते थे अभी तो हम दो हैं, हमने कोई बात नहीं, एक भी काफी होता है। क्या वो कैसे? हमने कहा रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय होत त्रिभुवन तम भागा। आकाश में सूर्य एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन उसको उदय होते ही ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि 200 से हम 2000 भी बन जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आज वो आडवाणी जी बिचारे हमारे बीच में नहीं, जो उस कमल का जो है ना जड़ है, उस कमल का दो जड़ था, अडवाणी और वाजपेयी, इसकी दो जड़ें थी। आज वह जड़ इतना विशाल रूप ले लिया है कि 14 से लेकर आज तक, चाहे वो 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या स्त्रियों को जो है 33% आरक्षण की बात हो, या जो है कहने का मतलब राम जन्मभूमि की बात हो, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, या जो उज्जैन कैलिडोर की बात हो, या काशी विश्वनाथ की बात हो, या हिंदू राष्ट्र की बात हो, यह हिंदू राष्ट्र को निर्माण करने का जो मुख्य योगदान जो जाता है ना, ये दो ही जड़ों को जाता है। उन्हीं के समय में चार राज्य के जो है चार कमल पुष्पों को तोड़कर फेंक दिया गया था, और कहा गया आतताइयों के द्वारा अब तो कमल खत्म हो गया। हम लोग उस समय भी प्रचार, आपके जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होते थे, कठुआ शुक्राला देवी से लेकर के और जम्मू रणबीरेश्वर तक का दायित्व हमारे पास में था। उस समय भी हमने कहा है चार पुष्पों को तोड़ के फेंका है, इनको जड़ों को खोद कर नहीं फेंका है, अब जो निकलेंगे वो चारों तरफ कमल ही कमल दिखाई देंगे। माइयों ध्यान रखना, अभी कमल अभी खिलाना भी है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, स्वाभिमान के साथ में सर को उठा करके चलना है, तो आप कमल पुष्प को खिलाना होगा। इसलिए कि जो है देखो, कमल शब्द हमने क्यों कहा, हम महात्मा लोग तपस्या करने के लिए बैठते तो कमलासन का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करने के लिए आए वो कमल के पुष्प के ऊपर आए, अभी भारत का निर्माण करने वाला कमल पुष्प को लेकर के ही आया है। तो इसलिए हम कमल पुष्प के लिए आपको आवाहन करते हैं। ऐसे बड़गड़ाने वाले बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग बहुत सी बातें सुनाएंगे, लेकिन उनकी बात को ध्यान मत करना। कहना हम सनातनी हैं, जब विचार करो, अगर जब आप सनातन को ही खोदोगे तो फिर क्या मिलने वाला है। और आज तो हमारे राष्ट्र के निर्माण में नाना प्रकार के बाधाएं
उत्पन्न करने वाले आ गए हैं। जैसे भगवान श्री राम के लिए जो है माता के कई का जो है प्रसंग आया था, कि तापस भेष विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, 14 वर्ष का शब्द है। लेकिन मैंने पहले आपको कहा था कि वनवास शब्द जो है ना, अब वो वनवास नहीं है, अज्ञातवास नहीं है, अब साक्षातवास है। अर्थात 22 तारीख को साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।